ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फाइव टाइप के वेरिएबल होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल, फिफ्थ होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही टाइप के वेरिएबल्स की बात करेंगे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट में आ जाते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल पे। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। हम लोग कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग किसी फंक्शन के अंदर में लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, void function one। इस फंक्शन के टॉपिक को हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा फंक्शंस का, तब यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन वन, जैसे कि void main फंक्शन हम लोग बनाते हैं, वो एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल होता है। वैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन वन एक फंक्शन बनाया है और हमने यहाँ पे int x इक्वल टू 10 हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वहीं पे उसको इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। तो ये एक लोकल वेरिएबल होगा, ये क्या होगा, एक लोकल वेरिएबल होगा फंक्शन वन के लिए। अब ये लोकल वेरिएबल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन वन के अंदर में ही एक्सेस किया जा सकता है। फंक्शन वन के अंदर में ही एक्सेस किया जा सकता है, मतलब इसका उपयोग कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन वन ही कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं फंक्शन, सॉरी, लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल टू द फंक्शन वन, इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव टू इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल बिफोर इट इज यूज्ड। हमें हमेशा इसको इनिशियलाइज करना होता है वेरिएबल का, कोई कहीं पे भी हम लोग वेरिएबल बनाए तो हम लोग को उसको इनिशियलाइज जरूर करना होता है, क्योंकि अगर हम लोग डिक्लेयर कर लिए और वहां पे इनिशियलाइज नहीं किए तो वहां पे हम लोग को गार्बेज वैल्यू वहां पे मिलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट्स के अंदर तक ही होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स फंक्शन वन के अंदर में ही वो एक्सेस किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम लोग हर एक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, मीन्स हम लोग उस प्रोग्राम में अगर किसी भी फंक्शन के बाहर में इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग इसको कोई भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन के आउटसाइड इनसाइड, मतलब अंदर में और बाहर में कहीं पे भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। कोई एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर में डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बाहर में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है, कोई भी फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाया है ये सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल होगा, सभी फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया क्या? ग्लोबल वेरिएबल एक बार और बताऊं सर। कौन सा वाला? लोकल, ग्लोबल 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 वाला। देखिए, ग्लोबल ओके, यहाँ पे सबसे पहले लोकल वेरिएबल समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, लोकल नो वेरिएबल, सर। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शंस के अंदर में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना हैश इंक्लूड
stdio.h, ठीक है, hash include con io.h, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, void main, ऐसा लिखते हैं हम लोग, लिखते कि नहीं लिखते, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बनाया, मेन फंक्शन बनाया, ये क्या है हमारा फंक्शन है। कैसे पता चला फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है, क्लोज है, तो ये क्या फंक्शन में फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया void main, जो हम लोग हमेशा बनाते हैं, इसके अंदर में मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, int a और int b। तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा, स्कोप मतलब होता है एक्सेस, ठीक है, इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर में ही होगा, मेन फंक्शन के अंदर में ही होगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और ये किसी भी फंक्शन के अंदर में नहीं है, ये फंक्शन के बाहर में, आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये हर एक फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है, void main हो या फिर कोई दूसरा फंक्शन हो, ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन हो, हर फंक्शन में ही एक्सेसिबल होगा, जो ग्लोबल वेरिएबल है पूरे इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होगा और कहीं पे भी हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन के अंदर में बनाया जाता है इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है, ओके। ऑपरेटर जनरली एक ऐसा सिंबॉल होता है जो कंपाइलर को कुछ बताता है, कुछ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर लॉजिकल हो, ठीक है, कुछ एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑपरेटर्स क्या होंगे, एक ऐसे सिंबॉल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, बिल्ट इन ऑपरेटर मतलब पहले से कंपाइलर द्वारा दिए गए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical functions. C language is rich in built-in operators and provides the following types of operators. ठीक है, operator क्या होता है, एक ऐसा symbol होता है जो compiler को कुछ specific mathematical or logical function करने के लिए instruction देता है, बताता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ होता है बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और लास्ट होता है मिसलेनियस ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एक्सेट्रा, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और मॉडुलस, ठीक है। ये सारे के लिए यहाँ पे हम लोग को ऑपरेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एडिशन ऑपरेटर, जिसको हम लोग प्लस से जानते हैं, ठीक है, बचपन से हम लोग इसको देखते आए हैं। ये क्या करता है, दो ऑपरेंड को ऐड कर देता है, एड्स टू ऑपरेंड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ए और बी को ऑपरेंड माने, ठीक है, दोनों के इसके बीच में हम लोग लगाएंगे एडिशन ऑपरेटर, देन उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करके हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मान के चलो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा 30,
ठीक है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वैल्यू मिलेगी हम लोग को 30, ठीक है। तो अगर हम लोग को दो वैल्यू को जोड़ना है, सॉरी ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। वैसे अगर दो ऑपरेंड को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। इसको माइनस नहीं बोलते, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी हम लोग लिखे हैं, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए माइनस सॉरी 10 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। मीन्स ए में से बी को घटाएगा, ए में से बी को घटा देगा। तो यहाँ पे ये था सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लाइज बोथ ऑपरेंड्स, ठीक है। दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब गुणा कर देगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बे बी, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 200, ठीक है। दोनों को गुणा करके हम लोग को एक वैल्यू देगा। फिर उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड्स न्यूमरेटर बाई डिन्यूमरेटर, ठीक है। लाइक बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू 2, ठीक है। बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू, बी की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है 10। 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा हम लोग को, सॉरी 10 को सॉरी 20 को हम लोग अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 2, क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है मॉड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ देखो, मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर मान के चलो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 5 को 10 से, ठीक है। या फिर मैं चलो मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2s are क्या मिलेगा, 4, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये डिवाइड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, क्वेश्चन रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करेगा, क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, डिवाइड क्या करेगा, क्वेश्चन रिटर्न करेगा, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो कुछ वैल्यू बच जाती है, वो रिटर्न करता है,